नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपनुं स्वागत छे। हूँ छूं पंकज शर्मा। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर थी। हवामान विभाग ने एक महत्वपूर्ण आगाही छे। गर्मी ने लईने आगामी त्रण दिवस गर्मी यथावत रहेशे। त्रण दिवस बाद तापमान घटवानी शक्यता छे। आ तरफ सौराष्ट्रना जिल्लाओं में अलग अलग विस्तारों में हीटवेव नी स्थिति नी पण संभावना रहेशे, जेमां भावनगर, पोरबंदर, गीर सोमनाथ अने दीव में हीटवेव नी संभावना व्यक्त करवामां आवेली छे। तो बीजा दिवसे सौराष्ट्रना भावनगर, पोरबंदर, गीर सोमनाथ अने दीव में हीटवेव की संभावना व्यक्त कराई छे। तो बीजी तरफ अमदावाद में 40 डिग्री आसपास तापमान पारो जोवा मळी शके। गांधीनगर में 38 डिग्री आसपास तापमान रही शके छे। दरियाई विस्तारों में 2-3 डिग्री तापमान वधशे। बात करते हैं तो गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। बारिश की अभी आगे आने हफ्ते में किसी भी प्रकार के चांसेस देखने को नहीं बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अधिकतम तापमान, वो अपने नोलार चेंज में बना रहेगा, जिसमें कुछ जगहों पे जो है इनलैंड एरियाज में जो है 8 डिग्री जो है बढ़त देखने को कुछ स्टेशन में मिल सकती है, बट मोस्टली नोलार चेंज में रहेगा। कोस्टल एरियाज में जो कुछ स्टेशन में जो है तापमान जो है 2-3 डिग्री जो है बढ़ सकता है। एज ऑफ नाउ किसी भी प्रकार की जो है हीट वेव वार्निंग जो है अभी जारी नहीं की गई है। एप्रिल महीना ना 2 दिवस बाकी छे अने मे महीना माटे हवामान निष्णात अंबालाल पटेले मोटी आगाही करी। अंबालाल मते मे नी शुरुआत में ज गुजरात में प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू थशे। आ वखते भारे आंधी अने गाजवीज साथे वरसाद थवानी शक्यता छे। मे महीना नी शुरुआत में पण प्री मॉन्सून एक्टिविटी थवानी शक्यता रहे छे अने भारत ना केटलाक भाग में वरसाद थवानी शक्यता रहे छे, जेमां મધ્યપ્રદેશના ભાગો, મધ્યપ્રદેશની એકઝોન ગુજરાતના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી થઈ શકે છે। એટલે હવે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી આંધી વંટોળ સાથે થવાની શક્યતા રહે છે અને ગાજવીજ સાથે જવાની શક્યતા રહે છે। પુનઃ આ એક્ટિવિટી છે એ ચાલુ રહેવાની શક્યતા રહે છે। તારીખ 10-14-15 પણ ભારે આંધી વંટોળ સાથે આ પ્રી મોન્સૂનની ગતિવિધિ ચાલુ રહેશે। અને હવે વાત મહાસંગ્રામની। લોકસભાની 2024ની ચૂંટણીને લઈ ન્યૂઝ 18 નેટવર્કે સૌથી પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ધમાકેદાર ઇન્ટરવ્યુ લીધો, જેમાં પીએમ મોદી કર્ણાટકમાં થયેલી હત્યા અને ભાજપ કેટલી બેઠકો જીતશે તેને લઈને ખુલાસો કર્યો અને સાથે જ કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકાર પર પ્રહાર કર્યા। રિગાર્ડિંગ ધી ગેરંટી સ્કીમ્સ ઇન કર્ણાટકા, કોંગ્રેસ પ્રોમિસ્ડ 5 ગેરંટીઝ એન્ડ ધી After coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost the only 66 seats, you able to win there, BJP able to win there. Now again, Yediyurappa ji ka leadership aur uska beta ka leadership mein jyada focus ho raha hai. Iska wajah se thoda sa BJP ka andar bhi kuch log naraaz bhi hai udhar. वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए।
अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो संपूर्ण इंटरव्यू जुओ आज रात्रे 9 कलाके। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया, जो अदालत कहेगी वही होगा। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना। राजा रजवाड़ा अंगे राहुल गांधी ना निवेदन पर आप नेता संजय सिंह प्रतिक्रिया आपी। भावनगर आप उम्मीदवार ना प्रचार में आवेला संजय सिंह कह्यू, राहुले कोई जात ने महिला नु अपमान नथी कर्यू। तो राहुल गांधी का जो बयान है, राहुल गांधी के बयान में उन्होंने किसी परिवार की, किसी जाति की, किसी समाज की महिला का अपमान नहीं किया। राजनीति के स्तर को हमें इतना बचा के चलना चाहिए। तो राजा रजवाड़ा अंगेना राहुल गांधी ना निवेदन पर राजनाथ सिंह प्रतिक्रिया आपी। भावनगर में भाजप उम्मीदवार ना प्रचार में आवेला राजनाथ सिंह कह्यू, राहुल भारत नो इतिहास नथी जानता। साथ ही तेमणे उमेर्यू के राजा रजवाड़ाओ देश में एकता माटे पोतानी रियासतो आपी दीधी। भावनगर थी तेमणे कृष्ण कुमार सिंह जी ने पण याद कर्या। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था। मैं राहुल गांधी, लेकिन वहीं पर जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल केवल 3 रियासत थी जिनके विलय के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था। भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है और मैं यहां खड़ा हूं
भावनगर में कृष्ण कुमार सिंह जी को कोई भूल नहीं सकता बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर उन्होंने अपनी इस रियासत का मर्जर किया था, विलय किया था। मुझे बताया गया कि पहले व्यक्ति थे